आओ बताऊं तुम्हें क्या है इस शहर में, ऊंची इमारत, पक्के खुलूस, जागती उम्मीदें, सड़कें जागती हैं पर ईमान है सोए, बला की खूबसूरती है इस शहर में। पूछोगे क्या दास्तान तुम मौरखों से, घर चाहो जानना पढ़ लो दीवारों से। एक चिराग है फिर भी जल रहा है, अंधेरों में कहीं छुप कर उजाले कर रहा है। कभी आओ तो बताऊं तुम्हें ये बातें, बला की खूबसूरती है कराची शहर में। रोशनियों के इस शहर में हर कोई अपने अपने इरादों को पूरा करने की तलाश में है। रास्ते धुंधले पड़ जाएं तो कदम अक्सर डगमगा जाते हैं, मगर थामने के लिए कोई हाथ हो तो मंजिल तक पहुंचना आसान हो जाता है। बाय बर्थ मैं ब्लाइंड हूं, लेकिन थोड़ी बहुत विजन मेरी थी, थोड़ा बहुत मुझे नज़र आता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है वो मेरी विजन खत्म होती चली गई और नाउ आई एम टोटली ब्लाइंड, आई कैन नॉट सी एनीथिंग। मुझे अल्लाह का शुक्र है ये प्रॉब्लम स्कूल और कॉलेज लेवल पे नहीं हुई, लेकिन जब मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो फर्स्ट टाइम मुझे अंदाज़ा हुआ कि ब्रेल बुक्स अवेलेबल ना होने से परेशानी क्या होती है। पेपर्स में सिर्फ 2 दिन बाकी थे और मैंने अपने एक स्टूडेंट से, कुलीग से अपने मैंने कहा कि यार मुझे अगर नोट्स मिल जाएँ या तुम नोट्स मुझे पढ़ के सुना दो तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा पेपर देना, से मुझे 2-3 मरतबा रीड कर दो, अल्लाह का शुक्र है कि मैं उसको याद कर लूँगा और उसके बाद मैं पेपर ईजिली दे दूँगा। उसने कहा सलमान भाई आप सिर्फ 2 मिनट रुकें, मैं अभी आया, और वो शायद आज तक 2 मिनट हुए नहीं। प्रेस एक ऐसा प्रोजेक्ट था, ब्रेल बुक्स ऐसा प्रोजेक्ट था कि जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत थी, और मैं समझता हूँ कि जो परेशानियाँ जो मुश्किलात ड्यूरिंग एजुकेशन मैंने उठाई थी, मैं समझता था कि मेरे साथियों को अब नहीं उठानी चाहिए। उसी रीज़न के बिना पर मैंने ब्रेल प्रेस का प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया। एक सिस्टम है जिसके ज़रिए ब्लाइंड पर्सन उंगली से टच करके पढ़ सकते, बल्कि इसके साथ साथ मैट्रिक से लेकर मास्टर्स तक के तमाम स्टूडेंट्स को ऑडियो में तमाम बुक्स प्रोवाइड किए जाएं। तो ये 2 प्रोजेक्ट्स मैं पैरेलल इस वक्त चला रहा हूँ। सलमान इलाही हैं, हमने उनको डिस्कवर किया। ही वॉज एन अमेजिंग यंग मैन जिन्होंने जो अपनी स्पेशल एबिलिटी कह लें उसके बावजूद उसको कोई हैंडीकैप नहीं समझता, बल्कि ही इज़ यूजिंग दैट टू मेक श्योर कि अदर्स लाइक हिम। मैंने ये ज़िंदगी में सोच लिया था कि इंशाल्लाह आज के बाद कोई भी ब्लाइंड पर्सन, कोई भी ब्लाइंड स्टूडेंट किसी पर डिपेंडेंट नहीं होगा, उसके पास अपनी ब्रेल बुक्स होंगी, अपनी ऑडियो बुक्स होंगी जिस पर वो खुद तैयारी करेगा और इंशाल्लाह दूसरों को हरा के दिखाएगा। वी वर एबल टू हेल्प हिम ऑन हिज जर्नी। आज उनकी कहानी जो है पूरे पाकिस्तान में गूंज रही है। ये रूम हमारे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग और ऑडियो एडिटिंग इस हवाले से यहाँ पर काम किया जाएगा। इसके साथ साथ ब्रेल मैगजीन का जो हम फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो भी इस रूम से सारा यकीनन वर्किंग की जाएगी। इस हवाले से जो हमारी सारी सॉफ्ट कॉपी रेडी हो गई वो मैनुअली टाइप की जा रही है, मैनुअली लिखी जा रही है उस सॉफ्टवेयर में जो हम लिखते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली ब्रेल फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है। आई एम कराची इज़ वेरी प्राउड कि हमने उनके साथ पार्टनरशिप करके एक तो उनका प्रिंटिंग प्रेस से एक्सेस करवाया, उनको आज वो ऐसे दफातर में हैं जहाँ उनको पानी, बिजली, जगह मुफ्त में फ्राहम हो रही है, प्लस जो ब्रेल पेपर होता है इट्स वेरी एक्सपेंसिव। तो इदारों जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ हमने पार्टनर करके और उनको ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड की है। मैं इतनी जल्दी तसव्वुर नहीं कर रहा था कि बहुत जल्दी मुझे सपोर्ट मिल जाएगी, स्पेशली मैं आईएम कराची का यहाँ पे थैंक्स करूँगा कि जिसकी बेस पर मुझे लोगों ने जानना शुरू किया, जिसकी बेस पर लोगों ने मेरे साथ मिलना शुरू किया, मेरे हाथ को थामना शुरू किया।